आठ, एक बीमा कंपनी ने 2,000 स्कूटर चालकों, 4,000 कार चालकों और 6,000 ट्रक चालकों का बीमा किया। स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 व 0.15 हैं। बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? हमें यहां देखो, कुल बीमा कितने हुए हैं? 2,000, 4,000 और 6,000। तो कुल चालक बराबर हो गया 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, अर्थात है हो गए 12,000। अब स्कूटर चालक जो व्यक्ति है वो कार चालक नहीं है, और जो कार चालक या स्कूटर चालक है वो ट्रक चालक नहीं है। इस प्रकार ये प्रत्येक चालक जो है वो अपवर्जी घटनाएं हैं, तो हम इनको E1, E2 और E3 ले लेते हैं। तो यहां E1 तो हो गया, घटना E1 बराबर हमने माना कि स्कूटर चालक होना, E2 हमने मान लिया कार चालक होना, और E3 हमने मान लिया ट्रक चालक होना। परस्पर अपवर्जी और ये परस्पर असंयुक्त घटनाएं हैं। अब PE1 कितना हो जाएगा? PE1 बराबर हो गया, जो अनुकूल स्थितियां हैं वो 2,000, कुल परिस्थितियां कितनी हैं? कुल स्थितियों की संख्या है 12,000, तो 2,000 बटे 12,000, ये मान हो गया 1/6। PE2 कितना हो जाएगा? 4,000 कार चालक हैं, कुल 12,000 चालक हैं, तो ये हो गया 4 × 3 = 12, 1/3। और PE3 ट्रक चालकों की संख्या है 6,000 अपॉन 12,000, कुल स्थितियां हो गई, 3 जीरो से ये कट गया, मान आ गया 1/2। तो PE1 1/6 है, PE2 1/3 और PE3 1/2 है। अब हम घटना ए मान लेते हैं, दुर्घटना होना। तो घटना ए बराबर है चालक की दुर्घटना का होना। अब वो चालक कोई सा भी हो सकता है, अर्थात ए में ईवन भी संबल, ईवन में भी ए हो सकता है, E2 में भी हो सकता है और E3 में भी हो सकता है। तो PA/E1 से क्या अभिप्राय होगा? स्कूटर चालक है और उसकी दुर्घटना हो गई, इसकी क्या प्रायिकता हो गई? 0.01। प्रश्न में हमें ऐसा दिया हुआ है 0.01, इसको हम पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/100। PA/E2 कितना हो जाएगा? ये प्रश्न में दिया हुआ है 0.03, पॉइंट को पुनः हटा दिया, 2 जीरो आ गए, 3/100। और PA/E3 अर्थात ट्रक चालक है और उसकी दुर्घटना होने की प्रायिकता क्या है? 0.15, पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहां आ गए, 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 3 = 15, या इसको 15/100 ही रहने दें, ये 15/100 हमने एज इट इज ही रखा, यहां प्रत्येक हर में 100 आ रहा है तो ये हमारे लिए उचित रहेगा। अब हम बेस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो हमें बेस प्रमेय द्वारा हमारा सूत्र हो गया P, हमें ज्ञात क्या करना है? स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि उसकी दुर्घटना हो गई है, तो PE1 / A ये हमें ज्ञात करना है कि
कि उसकी दुर्घटना तो हो गई है और प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो स्कूटर चालक है। सूत्र का प्रयोग करें तो PE1 इंटू PA/E1 अपॉन ये हो गया PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। ये हमारा बेस प्रमेय का सूत्र होगा, मान रख दें तो 1/6 इंटू 1/100 बटे 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। तो अब यहां हम 100 यहां कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं इसी स्टेप में इसको कैंसिल कर देता हूं। मान कितना आ गया, 1/6 बटे 1/6 प्लस 1/3 3/3 प्लस 15/2, तो मान आ गया 1/6। लघुत्तम हम यहां ले लेंगे 6, 1 प्लस यहां आ गया 6 प्लस 15 45, 6 से ये 6 कैंसिल कर दिया तो मान आ गया 1/1 और 6 हो गए 7, 7 और 45 52, 1/52 अर्थात जो प्रायिकता हो गई कि स्कूटर चालक है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो दुर्घटनाग्रस्त है, हमारी अभिष्ट प्रायिकता बराबर हो गई 1/52।